65. Okay, so first one is gumsum. Gumsum means chup chap. Okay, जो बहुत शांत बैठते हैं वैसे. Okay, gumsum means chup chap. अगर आप कहीं चुप चाप बैठे हुए हैं जगह पर, तो मैं उसे क्या बोलेगी, क्यों गुमसुम बैठे हो. Okay, gumsum means चुप चाप, quiet. Then second one is शुद्ध. शुद्ध means साफ. Okay, clean, fresh. Then next one, अचानक means एकाएक. कोई भी चीज अचानक होती है वही. अचानक means एकाएक. अचानक और एकाएक का मीनिंग सेम होता है. Okay, then मदद. क्या लिखा है students, मदद. मदद means सहायता. मदद का अर्थ क्या होता है, सहायता, help. Okay, then सुंदर. सुंदर means खूबसूरत. Okay, beautiful. सुंदर means खूबसूरत. And last one, बिक्री. बिक्री means फैली. Suppose आप कभी कुछ खेल रहे हो, अपने toys पूरे बिखरे हुए हैं, पूरे फैलाए हुए हैं. Okay, so बिक्री means फैली. कोई चीज फैली हुई होती है वैसे. So students, हमारा शब्द अर्थ हमें समझ गए हैं. हम क्या सर करेंगे, हमारा पार्ट 11 सुंदर कमरा. Okay, so next time. Okay, so all of you pay attention and put your fingers also. Okay, रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी. ओके, सो एक गर्ल है, उसका नेम क्या है, रानी. सी कैसे वो गुमसुम उदास अपने कमरे में बैठी हुई है. माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रख कर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो. ओके, सो जब रानी चुपचाप गुमसुम अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी कौन आया, रानी की माँ आई और उन्होंने क्या कहा रानी से कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई हो. रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी, उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था. यह कहकर रानी सोच में पड़ गई. ओके, सो क्या कहा रानी ने कि मैं आज कहाँ गई थी, अपनी सहेली के घर जिसका नाम क्या था, अलका. ओके, रानी की दोस्त का नाम क्या था, अलका. उसने क्या कहा कि रानी ने अलका का कमरा भी देखा और वो बहुत सुंदर लग रहा था. फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था. मेरे कमरे में तो दो अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल एक. केवल मीन्स सिर्फ, ऑनली. ओके, रानी क्यों उदास थी, क्योंकि वो जो अपनी फ्रेंड अलका के घर गई तो उसने क्या देखा कि वो अलका का कमरा छोटा था, फिर भी रानी के कमरे से ज्यादा सुंदर था, ज्यादा साफ था. रानी का कमरा तो बड़ा था, उसके कमरे में दो अलमारियां थी और अलका का कमरा छोटा था, फिर भी ज्यादा सुंदर था. लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था. ओके, वो क्यों परेशान थी, उसने देखा कि मेरा रूम जो है, मेरा कमरा कितना बड़ा है, फिर भी अच्छा नहीं है. और उसकी फ्रेंड का जो कमरा था, रूम था, वो छोटा था, फिर भी साफ था. ओके, माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोच कर बताओ अलका के खिलौने कहाँ रखे थे. ओके, माँ ने मुस्कुराया और क्या पूछा कि ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी फ्रेंड अलका है, उसने खिलौने, जो उसके टॉयज थे, वो कहाँ रखे हुए थे. रानी ने
आपको फिर से पूरा रीड करना है एंड आपको शब्दार्थ भी एक बार रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स,